Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So today I'm gonna do a purple haul. Now I got good vibes products from purple.com. Purple, as you know, is one of the leading brand now just getting into all skincare and all that, and they have started a lot of brands, and I got some requests of reviewing their products, and I got my hands on those because purple mein bahut zyada acha sale ho raha tha, where you buy 10 products and you will get literally 50% off. And I can't believe that I got this product for so discounted price. Now the MRP was more than 1500 and I got it just for rupees 800. I got 10 of Good Vibes products for 800 rupees, and all of the products are something which I really wanted to use from a long time. Bahut sada reviews dekhe, ratings dekhe, bahut YouTubers ne uske bare mein is products ke bare mein bole hai, and that's the reason I got this in my cart. And I'm just this is just a haul. I have not used any of this product yet. I'll use it for maybe at least 10 days, and then I'll sit down and make a whole dedicated video reviewing these products. As you know, I don't review any products without using them and testing them on myself for a long time, and at least for a day of more than 10 days. So वो 10 दिन या 15 दिन के बाद I will make a video definitely. But अभी अब सिर्फ haul होने वाला है. I'm going to show you what all I got. This is the box. Box है. Packaging बहुत ज़्यादा अच्छे से आया है. This is not the first time I've shopped from Purple. इंग्रेडिएंट लिस्ट इसमें पड़ा है. इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं. एक्चुअली पैराबेंस वगैरह इसमें ज्यादा नहीं है. अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं है, और एक चीज डेफिनेटली ये लोग इंडिकेट करते हैं, इसमें SLS नहीं है. इसमें एक्चुअली अल्कोहल ये लोग यूज नहीं करते, विच इज ग्रेट गाइज. अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में अल्कोहल पैराबेंस समथिंग जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट में वो लोग डालते ही है, बिकॉज यू कांट सस्टेन दोस प्रोडक्ट. यू नो प्रोडक्ट्स के नीचे लिखा है कि नो पैराबेंस, नो सल्फेट्स, क्रुएल्टी फ्री, नो मिरेनोल. भाई क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट यूज करना आज के समय में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है. लाइक गाइज प्लीज रिसर्च करके ब्रांड्स लाइक बाय प्रोडक्ट आफ्टर रिसर्च गाइस. प्लीज लेट्स गेट इनटू प्रोडक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, एज अ सेड क्या सेल था, तो 10 प्रोडक्ट्स कार्ट में डालने के बाद फिर वो 50% ऑफ था, एंड ऑल्सो 700 के ऊपर शॉपिंग करने से एक मिनी प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला था मुझे, जो मुझे मिल गया बिकॉज 800 क्रॉस हो गया प्रोडक्ट. तो लेट्स स्टार्ट रैंडमली. बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, 10 प्रोडक्ट्स है अभी, और जो फ्री मिला है वो 11 होता है. सो आई एम गोना स्टार्ट रैंडमली. So the first product which I got is the bentonite powder. Now Good Vibes के ऐसे है products, बहुत सारे बहुत ज्यादा variants है उसके. लेकिन अगर face wash रहेगा तो उसके 10 variants है, face mask रहेगा उसको उसके 10-20 variants है, different rose है, aloe vera, बहुत ज्यादा variants है. तो you get very confused, and आपको बहुत ज्यादा research करके reviews देख के उसके ratings देख के फिर purchase करो, because बहुत सारे products को बहुत ज्यादा नीचे की reviews भी मिले. So please make your research good so that you can have very good products in your hands, okay? तो मैंने वो reviews बहुत देखने के बाद, एंड ऑल्सो आई थिंक द प्रोडक्ट्स विच आई एम शोइंग आर द बेस्ट रेटेड, सो यू कैन गो एंड पिक योर हैंड पिक विद दिस. एंड ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर लिटरली फॉर ऑयली स्किन पीपल, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन मोस्टली फॉर यू नो दैट एक्ने प्रोन स्किन. तो अभी मानसून के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये स्किन ये टाइम इज लाइक लिटरली स्टिकी, ऑयली, ग्रीसी. तो दिस प्रोडक्ट इज वन ऑफ सूट सो मच. सो एनी वेज बैबरिंग राइट नाउ. तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज बेंटोनाइट पाउडर. सो बेंटोनाइट पाउडर इज एक्चुअली प्रूवन टू एक्चुअली यू नो गेट रीड ऑफ ऑल दिस एक्ने थिंग एंड ऑल दैट. आई हैव हर्ड सो मच ऑफ बेंटोनाइट पाउडर, एंड दिस वॉज वेरी चीप. इसका एमआरपी इज 159. आई गॉट इट फॉर 58 रुपीज, सो फ्लैट 50% ऑफ. सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज. जस्ट गोना शो यू इट्स पाउडर. तो आप फेस मास्क फेस मास्क जैसे यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है. थोड़ा भी गिर गया मेरे हाथ में. ओके, so this is the first. The second product is again one more powder. I got a dead sea mud powder. मैं वो बहुत fascinating लगा, because dead sea mud is so rejuvenating, exfoliating, बहुत ज़्यादा exfoliating है skin. मैं have seen videos of celebrating using dead sea के उधर जब वो लोग जाते हो dead sea के सब mask वगैरह लगाते हैं. I have seen all those, and the picture was very fascinating, and that's the reason I got it again. मुझे same 58 rupees में ही मिला, तो I think बहुत ज़्यादा cheap है, and बहुत ज़्यादा amount में आते हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर है. तो आई थिंक यू कैन यूज इट फॉर मोर देन मंथ्स एंड मंथ्स. एंड DIYs के लिए मैंने लाया है, जस्ट टू यूज, बिकॉज आई मोस्टली रिकमेंड टू डू DIYs. इसके लिए फेस मास्क ये मैंने लाया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ गुड वाइब्स एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंजिंग फेस मास्क. दिस इज द टॉप रेटेड प्रोडक्ट. लाइक इस पे बहुत ज्यादा रेटिंग्स थे, तभी जाके मैंने ये पहला ही प्रोडक्ट था जो मैंने कार्ट में डाल दिया था. एंड दिस रिटेल्स फॉर 225, एंड मुझे सिर्फ 115 रुपए में मिला, फ्लैट 50% ऑफ. प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो आप देख रहे हो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, लाइक भले इसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बट वो एक्चुअली ऐसे वो सील के टाइप में आता है जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स लोग करते हैं. कभी कभी बड़े ब्रांड्स भी ऐसे सब करने को देखते नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज यू नो अ कवर
टू योर प्रोडक्ट, वो यहाँ पे नहीं लग जाएगा। दूसरे अगर इसको लेके ट्रेवल करे तो स्पिल होने की भी जो चांसेस है वो कम होते हैं। तो आई थिंक दैट इज द वेरी बेस्ट पार्ट कि प्रोडक्ट्स इतने अफोर्डेबल होने के बाद भी वो लोग ने ये चीज एक्चुअली ध्यान रखा है। सो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट। तो द प्रोडक्ट एक्चुअली लुक्स लाइक दिस। आई एम सो यू नो, मुझे एक्चुअली यूज करना है ये सब प्रोडक्ट्स। आई हैव नॉट यूज्ड इट येट। लेट्स सी कैसे वर्क करता है। मेक अ रिव्यू गाइस, आई एम डेफिनेटली गोना मेक अ रिव्यू। तो अगर मैंने ये परचेस किया तो मुझे और एक मास्क चाहिए था जो हाइड्रेट करे। एंड अगेन दिस इज द सेकंड मोस्ट रेटेड प्रोडक्ट। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेटिंग में बहुत ज्यादा थे तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। बहुत ज्यादा फेस मास्क थे, एलोवेरा से, रोज से, मतलब आप कौन से इंग्रेडिएंट के नाम लो और वो उनके पास रहेंगे। तो मैंने रोज का फेस मास्क लिया बिकॉज ये हाइड्रेटिंग फेस मास्क था। तो मुझे लगा कि अगर डीप एक्सफोलिएटिंग किया रहेगा तो दिस समथिंग आप मल्टी मास्क कर सकते हो। तो अगर आप ये ब्लैक वाला आप नोज एरिया पे लगा सकते हो, मतलब टी जोन पे लगा सकते हो, अंदर रोज यू कैन पुट इट ऑन योर चीक्स एंड ऑल्सो यू कैन डू मल्टी मास्किंग विच इज ग्रेट, राइट। अगेन पैकेजिंग अमेजिंग है, ऐसे इस चीज में आते विच इज ग्रेट। स्मेल, अगर आप फ्रेगनेंस की बात किए ना, मेरे नाक में तो नहीं लगा ना, ओके। अगर फ्रेगनेंस की बात की जाए ना, फ्रेगनेंस इज लिटरली एग्जैक्टली इंग्रेडिएंट जैसे वैसे फेस मास्क, वैसे फ्रेगनेंस है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा इनमें केमिकल्स है, पैराबेंस यूज। ओके, और एक पाउडर मैंने लिया था और एक पाउडर, आई गॉट वन मोर पाउडर विच आई फॉरगॉट अबाउट, इट्स द चारकोल पाउडर। नाउ आई गॉट चारकोल पाउडर, लाइक भाई फेस मास्क लिया तो चारकोल पाउडर लेने की क्या जरूरत थी। बिकॉज डीआईवाईज में मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो एक्चुअली फेस मास्क है चारकोल का, तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स वो लोगों ने खुद से भी डाले हैं। जैसे इसमें बेंटोनाइट क्ले भी है, इसमें कैरियोलिन भी है और चारकोल। ये एक्चुअल खाली एक्टिवेटेड चारकोल नहीं, इसमें बहुत सारे अदर चीजें मिक्स किया गया है। तो मुझे सिर्फ प्योर चारकोल पाउडर भी चाहिए था ताकि मैं घर पे डीआईवाईज कर सकूं। बहुत सारे डीआईवाईज मुझे ट्राई करने हैं, इसकी वजह से मैंने ये लिया। और बहुत सारे मैंने दूसरे ब्रांड्स के भी ये चारकोल पाउडर देखे, वो बहुत ज्यादा महंगे, 200 के 300 के ऊपर है, पर ये वाला मुझे सिर्फ 75 रुपीज में मिला सेल प्राइस में। इसका एमआरपी है 150। तो मैंने जैसे बोला लिटरली 50% ऑफ में मुझे मिला है। पैकेजिंग तो भाई बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसे डब्बे में आते ना कि आप बाद में डब्बे यूज भी कर सकते हैं, मम्मी को भी दे सकते हो, वो लोग यूज कर सकते हैं लेटर, बिकॉज दे डोंट थ्रो अवे एनी डब्बा, यू नो व्हाट आई मीन। Now, next product is something which I wanted to try from so long is the gel. Now, they have so many different gel. As I said, they have aloe vera gel, they have orange gel, lemon gel, ye gel, wo gel. So, I took orange gel because full of vitamin C, right? So, I just took one gel. So, its MRP is 125 and I got 88 rupees, 50% off. Again, this comes in packaging, which is great, bhai. Kabhi bhi packaging mein to conjure scene ki hai hi nahi. Bhai, gel, to dekho, gel. Literally, orange. फ्रेगनेंस की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज को लिटरली ऐसे मतलब मसल के इसमें डाल दिया है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बहुत ज्यादा एकदम सूदिंग है। तो अगर आप फ्रिज में रखेंगे और बाद में यूज करेंगे फेस पे, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए अगर धूप से आएंगे इसको लगा ले लो और फेस में बहुत ज्यादा अच्छे से ठंडक देगा। और यू कैन जस्ट मसाज दिस, रैंडमली मसाज भी कर सकते हो। तो यू हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपर्पज, लाइक यू कैन मिक्स दिस विद ऑल दिस सॉर्ट ऑफ पाउडर्स विच आई बॉट एंड यूज ऑन योर फेस लाइक अ फेस मास्क डीआईवाई ऐसे कर। सो इसलिए मैंने एक्चुअली ये लाया है 88 रुपीज में, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ गुड वाइफ ऑलिव ऑयल, दैट इज कोल्ड प्रेस। तो इनके ऑयल्स भी इतने चीप है भाई। कोल्ड प्रेस ऑयल्स जो रहते हैं बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं, एज यू नो कोल्ड प्रेस में बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है और उनके प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो और ऑल्सो द फैक्ट दैट ये प्रोडक्ट्स में साइज थे, दिस इज एक्चुअली 50 ml, देन यू ऑल्सो हैव 100 ml वन। सो 50 ml मैंने क्यों लिया, ऑब्वियसली मैं कभी भी जब मैं फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट यूज करती हूँ मैं हमेशा स्मॉल साइज में इन्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज देन इफ यू बाय बिगर वन एंड देन डजंट वर्क देन द होल प्रोडक्ट इज वेस्टेड, राइट। सो ऑलिव ऑयल मैंने इसलिए लिया बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट गुड अबाउट ऑलिव ऑयल। और हेयर के लिए लाइक ऑलिव ऑयल इज समथिंग विच यू कैन यूज ऑन योर हेयर, ऑन योर फेस, ऑन योर होल बॉडी एंड समथिंग विच इज वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड दैट्स द रीजन आई गॉट इट। तो कोल्ड प्रेस्ड है, अगेन आई गॉट इट फॉर 63 रुपीज, एमआरपी 125 है, 63 रुपीज में मैंने लाया। बहुत ज्यादा स्लीक है, इतना क्यूट है पैकेजिंग। और अगेन ऐसे ऐसे वो इसमें आते तो इसमें आप होल्ड करके भी यूज कर सकते हो या आप इसको ओपन करके भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो पैकेजिंग अगर देखा जाए ना गाइस, बहुत ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इनके, तो आई रियली लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग विच आई एक्चुअली मतलब मेरे को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना था, बट आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई इट बिकॉज सीरम्स इतने चीप नहीं होते। तो दिस इज द गुड वाइब विटामिन सी, 20% विटामिन सी। तो रिसेंटली मैंने नाइकोहॉल किया, आपने देखा रहेगा, तो उसमें मैंने दिखाया कि मैंने सेंट बोटानिक का सीरम लाया था जो सेम इंग्रीडियंट है। हाँ, ये मैंने सेंट बोटानिका का विटामिन सी सीरम भी लाया, इसमें सेम 20% विटामिन सी है और इसमें भी गुड वाइब्स के इसमें भी 20% विटामिन सी है। तो आई वाज काइंड ऑफ मुझे लगा कि लेट्स डू अ कंपेरिजन, इसमें कंपेरिजन कर सकती हूँ और मैं ट्राई कर सकती हूँ। मैंने इसको थोड़ा हाथ में लगा के देखा, द कंसिस्टेंसी थोड़ा अलग है, बहुत ज्यादा ऑयली टाइप कंसिस्टेंसी। तो मुझे एक्जैक्टली पता नहीं इसमें क्या एक्चुअली यूज किया, इसमें बोला है इंग्रीडियंट्स में फर्स्ट एक्चुअली जस्ट 20% विटामिन सी है। तो लेट्स सी इसमें क्या ऐसे वर्क करते हैं। अभी तो मैं एक्चुअली ये यूज कर रही हूँ, तो आई विल नॉट स्विच दिस ऑन, अभी तो मैं ये यूज कर रही हूं। तो आफ्टर दिस गेट्स ओवर आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मुझे अभी पता नहीं इतना
ओके तो इसका एमआरपी ना 225 और मुझे 113 रुपीज में मिला है. आई गॉट इट फॉर एज आई से 50% ऑफ सब में. तो लेट्स सी, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, बट आई जस्ट गॉट रैंडमली. देखते कैसे इसमें बहुत ज्यादा ऑल सीरम्स थे, डिफरेंट हाइलोरोनिक सीरम भी था, ये था वो था, बट मैंने सिर्फ विटामिन सी में इन्वेस्ट किया. ओके नेक्स्ट वन इज समथिंग विच आई गॉट बाय द रिव्यू बाय द रिकमेंडेशन ऑफ श्रेया जैन. माय आई लव हर. सो शी रिकमेंडेड गुड वाइब लेमन लिप स्क्रब. रिसेंटली उसने वीडियो किया था गुड वाइब्स के ऊपर, तो उनके लिप स्क्रब भी बहुत ज्यादा चीप है. तो दिस इज फॉर 125 एमआरपी, आई गॉट इट फॉर 63 रुपीज. तो लिप स्क्रब आप ऐसे घर पे भी बना सकते, यू विल बी लाइक अरे परचेस करने की क्या जरूरत है. पर एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि घर पे करने से ज्यादा बहुत ज्यादा मिक्सचर वगैरह करना पड़ता है, तो आई गेट लेजी इन दैट वेज. सो दैट्स द रीजन आई गॉट दिस. लेट्स सी, ट्राई करने के लिए क्या होता है. तो मुझे 10 प्रोडक्ट कार्ट में डालना ही था, तो मैंने ये डाल दिया. तो मैंने इसको यूज किया एक बार. सच्ची बोला जाए तो लिटरली दिस इज शुगर, लिटरली शक्कर है. शक्कर में इन्होंने एसेंशियल ऑयल डाला, और उन्होंने एक्चुअली सब मेंशन भी किया कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाला है. तो शुगर है इसमें, सनफ्लावर ऑयल है, विटामिन ई एसेंशियल ऑयल्स वगैरह. तो एक्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स भी उन्होंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में मेंशन किया, विच इज समथिंग ग्रेट. उन लोगों ने इंग्रेडिएंट के मामले में उन लोगों ने कुछ छुपा छप किया नहीं है. सो अगेन एज अ सेट बहुत ज्यादा अच्छा पैकेजिंग में आता है, अच्छे कवर में आता है, डब्बा भी बहुत ज्यादा अच्छा है. तो आई हैव यूज्ड दिस एज अ सेट, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है. लिप स्क्रब करने के बाद ऐसे नहीं लग रहा है कि लिप्स लिटरली ड्राई हो गए, इसमें बहुत ज्यादा एसेंशियल ऑयल्स भी उन्होंने डाले, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज भी लिप्स लग सकते. आई थिंक दिस इज ग्रेट. ओके लास्ट प्रोडक्ट रिमेनिंग, आई गॉट अ फेशियल मिस्ट. सो दिस इज द गुड वाइब चेडर वुड अपलिफ्टिंग फेशियल मिस्ट. तो एज अ सेट इसमें बहुत ज्यादा वेरियंट है, तो मैंने वो चेडर वुड का लाया. तो मैंने ये वुड वाला क्यों लाया, क्योंकि मुझे वुड मोस्टली वुड फ्रेग्रेंसेज बहुत अच्छा लगते हैं. तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस, मैंने इसको यूज किया, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है. इसमें बहुत ज्यादा मतलब ये एक्चुअली ऐसे, दिस इज अ मिस्ट विच यू कैन यूज फॉर जस्ट जैसे ये बोलते हैं, दिस इज फॉर अपलिफ्टमेंट. सो अगर आपकी स्किन बहुत डल हो गई, आपको थोड़ा मतलब यू नो ये थोड़ा एक अपलिफ्टमेंट चाहिए, थोड़ा एकदम ऐसे ये यू नो पम्प्ड अप थिंग चाहिए, तो आप ये मिस्ट को यूज कर सकते हो. अगेन आई गॉट इट फॉर 75 रुपीज, 150 इसका एमआरपी है. 50% ऑफ 75 रुपीज में मुझे मिला है. एंड स्प्रे में एक चीज बोलूंगी, इसका जो स्प्रे है बहुत ज्यादा अच्छा है. लेकिन इसके इसका जो स्प्रे स्प्रे में जो मोस्टली द स्प्रे कभी कभी कैसे होते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, इसके स्प्रे में बहुत ज्यादा होल है, तो पूरे फेस में अच्छे से वो फैल जाता है. तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि गुड वाइब के प्रोडक्ट्स ने लिटरली इसमें कंजूसी नहीं किया, सब प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, वो लोगों ने अच्छे से प्रोडक्ट को पैकेजिंग में कुछ कंजूसी नहीं है. पैकेजिंग इज अमेजिंग गाइस. एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मुझे फ्री मिला, जो मैंने बोला कि अगर 700 के ऊपर शॉपिंग किया तो मुझे एक प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला था, तो वो था ग्रीन टी फेस मास्क. तो ये इतना सा है, तो ये मुझे पता नहीं कितने का है, पर ये मुझे फ्री मिला, तो इतना सा है. तो लेट्स सी कैसे इसका बड़ा वाला साइज में मुझे मिलता है, पर मुझे छोटा मिले इसलिए मैंने बड़ा वाला नहीं लिया, तो उसकी जगह पर मैंने वो चाकोल वाला मास्क लिया. तो या मैंने एक्चुअली कोई फेस स्क्रब नहीं परचेस किया, वो मुझे बाद में पता चला, बट एनीवेज आई विल बाय इट लेटर. This is what I got. I'm going to link everything in the description and with the direct links to buy. I don't know if this sale is going on or no, but you can check it out. Ye sale mostly chalta hi rehta hai, but you can grab it if you want. And yeah, subscribe to my channel, follow me on my Instagram. First of all, subscribe karo, bell icon dabao, and do all that sort of things. And yeah, we'll see you in my next video. Till then, take care. Bye guys.